ज्यादा ठंड होती है। Good afternoon everyone and welcome back to the channel from Murray Expressway। आपका भाई लास्ट वीक की बारिश में गिरने के बाद आज फिर बारिश में बाइक राइड के लिए निकल आया है। दो घंटे से मैं निकला हूँ और दो घंटे से कंटिन्यूस बारिश हो रही है, लेकिन यार आज मैं बहुत ही केयरफुली जा रहा हूँ। स्टार्टिंग में तो मैं 15 से 20 की स्पीड में बाइक चला रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रस्ट रीगेन हुआ है इन टायर्स पर, तो अब मैं 30 की स्पीड में चला रहा हूँ, लेकिन आज मैं बहुत केयरफुली जा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये, आज मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। आज इतना कुछ पहन कर आया हूँ कि अगर हम गिरते भी हैं तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। आज का प्लान मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज का सीन ये है कि मैं चाय का सब सामान साथ में लाया हूँ और प्लान मेरा ये है कि हम किसी खूबसूरत लोकेशन पर बैठेंगे, वहाँ बैठकर चाय बनाएंगे और इस खूबसूरत मौसम को इंजॉय करेंगे। छोटा सा मसला ये है कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी थोड़ी हल्की हो चुकी है लेकिन कम्प्लीटली नहीं रुकी अभी भी, तो बारिश रुक जाए फिर कोई खूबसूरत सी लोकेशन देखते हैं और वहाँ बैठकर चाय बनाते हैं और इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करते हैं। ठंड का लेवल हो चुका है ना, बर्दाश्त से बाहर। इतनी शदीद ठंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। और मुझे इस्लामाबाद से निकले हुए कोई ऑलमोस्ट 4 घंटे होने वाले हैं। सुबह से बारिश हो रही है जब से मैं निकला हूँ, अभी जाकर कुछ कम हुई है, अभी भी हल्की हल्की हो रही है लेकिन अभी कुछ कम हुई है। लेकिन यार मौसम हसीन हो चुका है। अब इस तरफ ऊपर में जाता हूँ, वहाँ जाकर आपको उस तरफ का व्यू दिखाता हूँ। उस तरफ तो सीन अलग ही नज़र आ रहे हैं ना, खूबसूरत मंजर है यार। और मैं जिस मकसद के लिए निकला हूँ कि कहीं बैठकर हम चाय बनाएंगे, देखते हैं बना पाते हैं नहीं, क्योंकि अगर बारिश रुकेगी तो ही बना पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल है। इस खूबसूरत लोकेशन पर जो भी मैंने शॉट्स लिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो इसी बात पर चैनल सब्सक्राइब कर दें। लेकिन यार वेदर जो है ना, एक्सट्रीम वेदर हो चुके हैं, एक्सट्रीम ठंड हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम मैं ये करूँगा कि अपने विंटर ग्लव्स साथ में लेके आऊँगा, क्योंकि अभी उनकी कमी महसूस हो रही है। अभी सीन ये है कि 4 बज चुके हैं, जो हमारा चाय बनाने वाला सीन था उसे नेक्स्ट वीक पे छोड़ देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक कहीं और जाना है, वो वहाँ जाए कर लेंगे, क्योंकि अभी 4 बज चुके हैं, अगर चाय बनाते हैं तो काफ़ी लेट हो जाएंगे। चाय की कमी शदीद महसूस हो रही है, तो अभी चल के किसी अच्छी सी लोकेशन पर चाय पीते हैं और फिर वापस निकलते हैं।
मेरा जी हमारा रेनकोट आते हुए पूरे रास्ते मैंने रेनकोट पहना हुआ था क्योंकि पूरे रास्ते ही हमें बारिश मिली थी। 4 घंटे लगातार बारिश हुई है और अब जाके बारिश रुकी है। अभी वैसे चाय यहाँ पर भी मिल रही है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कोई लोकेशन हमें थोड़ी अच्छी सी मिल जाए तो थोड़ी देर में सनसेट का टाइम होगा तो और भी मज़ा आएगा। आते हुए तो बारिश की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था तो वापसी पर आपको खूबसूरत नज़ारे दिखाते चलते हैं और रोड पर भी फोकस करके चलते हैं आराम से। जब मैं आया हूँ 40-50 किलोमीटर तो मैंने बाइक राइड की है तो उसमें तो नहीं गिरा क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा सेफली आया हूँ। तो अभी वापसी भी देखते हैं, अगर वापसी पर भी नहीं गिरते दैट मीन्स कि टायर ठीक हैं बाइक के और उस दिन मेरी ही कोई मिस्टेक थी। फिर जो हमारा चाय बनाने वाला सीन था जिसके लिए आज हम स्पेशली आए थे वो तो आज नहीं हो सका, लेकिन नेक्स्ट वीक एक और जगह का मैं प्लान कर रहा हूँ तो वहाँ अगर जाते हैं ना वो जगह बेस्ट है उस सीन के लिए, तो वहाँ जाकर बनाएंगे चाय। ग्रीन व्यू रेस्टोरेंट, यार ये जगह भी अच्छी है लेकिन यहाँ कोई व्यू नहीं है। आगे कहीं देखेंगे जहाँ कोई व्यू हमें मिलेगा वहाँ बैठकर चाय पियेंगे। अभी वहाँ जहाँ मैं रुका हुआ था वहाँ पर मुझे 2 लड़के मिले हैं तो वो दोनों मुल्तान से आए हुए थे और उन्होंने नीलम वैली जाना था और काफ़ी देर उनसे बातचीत हुई है। वो बता रहे थे कि सुबह से निकले हुए हैं वो इस्लामाबाद से और अभी तक मरी नहीं पहुँच पाए। सेम सीन मेरा भी था, मैं भी सुबह से निकला हूँ इस्लामाबाद से और बारिश की वजह से स्लो स्लो आने की वजह से मैं लेट हो गया। व्यू पॉइंट तो जैसा चाहिए था वैसा मिल गया। अब यहाँ पर चाय भी अगर अच्छी मिल जाए मज़ा आ गया। हाँ इधर लग तो चाय आ चुकी है, चाय ठंडी नहीं करते, चाय पी लेते हैं पहले क्योंकि गर्म चाय का ही मज़ा आता है। इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं इस खूबसूरत लोकेशन पर। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो अगर यहाँ तक देखिए और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें।
जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें ताकि फिर हम निकले अपने नेक्स्ट रोड ट्रिप के लिए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।